अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफसर खान हुसामी न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। मेहदीपट्टनम क्रिस्टल गार्डन रिंग रोड हैदराबाद में एनआरसी सीएए और एनपीआर के खिलाफ एक जलसा आम मुनक़िद किया गया। ये जलसा जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे क़यादत मुकर्रर किया गया था, जिसे मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत के नए कानून के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर की ये रिपोर्ट। मैं मोहम्मद हारून, हुसामी न्यूज। खून तो खून है, खून तो खून है, सो निकलेगा तो कई शक्लें बनाए। अब्दुल अजीज साहब ने बहुत समझे के जमीन को झिझोड़ा और यकीनन खून बहुत बह गया और हम बहाने की तारीफ रखते हैं, लेकिन अब एक नई तारीफ शुरू होने को। मैंने मिलियन मार्च में बात कही थी कि हम जमाई लिए हैं तो फिर सारी दुनिया हमको देखी, अंगड़ाई लेंगे तो सब कुछ नीचे ढेर हो जाए। हम सिर्फ जमाई लिए तो लोग परेशान। और एक बात याद रखिए, बहुत तड़प और तमन्ना और आरजुओं का इजहार शाहीन बाग हैदराबाद में क्यों नहीं, तो बिल्कुल दकन हैदराबाद में है और बैठेंगी और शाहीन बाग से ज्यादा पूरे ताकत से अगर आप साथ देंगे। लड़ाई हम लड़ेंगे, लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन हिमायत आपकी दरकार है। आपकी अगर हिमायत और आपका ताउन अगर हासिल है तो यकीनन हम आपकी हद में ये कार्रवाई करेंगे। मिलियन मार्च और खुद आज के जलसे को रोकने के लिए बहुत से तमाशे किए गए। अब हॉकी ग्राउंड में नको करो, लॉलीपॉप देते, ऐसा करते वैसा करते, हम शेर से भी नहीं डरते बाबा। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आया मगरिब से पहले, पुलिस छावनी बनाकर रखे हुए, पुलिस छावनी बनाकर रखे हुए, मुझे बहन गुरुओं ने डांटना और गुस्सा करना पड़ा कि भाई आप यहां पर अंदर पुलिस घुसकर आ रहे हैं। अभी सियासत में खबर आई कि घर में बैठे हुए थे तो आकर पूछ रहे थे यहां अम्मा का हल्ला हो रहा क्या, जीप खींच लेते हम, कुश्ती में से जबान खींच सकते हैं हम और जालिम के पंजों को मरोड़ भी सकते हैं। कोई चुड़िया आवाज दो, आवाज दो। मैं और आप हिंदुस्तान हैं और हिंदुस्तान को चैलेंज मत करिए, महंगा पड़ जाएगा। हम हिंदुस्तान हैं। कल मसूद साहब ऑफिस में बतला रहे थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बल में कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये नहीं कहा गया मोदी और शाह इंडिया। इंडिया हमसे है, तुमसे नहीं है। इंडिया हमसे है, ये चमन की रौनक हमसे बाकी है, तुमसे बाकी नहीं है। तुमको चोर चकारे शहर बदर हो गए थे, अमेरिका 15 साल 12 साल वीजा नहीं दिया, तड़पते रह गए। हम कोई मुजरिम नहीं है बाबा, आप मुजरिम है और आप हमसे सदाकत का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते। पहले आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट तो बता लो। अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लीडर कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था, मालूम है कि इजाफा होगा कि
तीन डेट ऑफ बर्थ है, कब तक कहां पैदा हुआ नहीं मालूम। अब दुनिया आके हमसे सवाल करना, बेटा 900 ईयर्स नॉट 600 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6 ईयर में चूल ढीली ढीली हो गई, कब तक। सलाम और जय हिंद। मैं शीराज खान, सामाजिक कारकुन और TSR AP जैक कन्वेनर मुश्ताक मलिक साहब को बहुत बड़ी मुबारकबाद दोबारा देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे रियासत के मुख्यमंत्री क्यों खामोश है, क्यों उनकी जबान पे CAA और NRP, NRC और NPR के खिलाफ उनकी आवाज या उनका रुख क्यों नहीं साफ होता, जबकि मिलियन मार्च में लाखों लोगों ने ये शामिल होकर ये जाहिर किया था कि इस कानून के खिलाफ हमारी रियासत परेशान है, और आप बहैसियत मुख्यमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? आपने 25 दिसंबर को ये कहा था कि 2 दिन में आप ऐलान करेंगे कि यहाँ पर CAA और NRC और NPR नहीं लागू होगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि मोदी सरकार ऑलरेडी गुजरात में इसका इम्प्लीमेंट जारी कर चुकी है और कई ऐसे राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट करने का वो डायरेक्शन दे चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आज 2 से 3-4 हजार लोग जो जमा थे आज क्रिस्टल गार्डन में, यही कह रहे हैं कि KCR साहब कदम बढ़ाइए और इस 4 करोड़ अवाम का साथ देते हुए सेकुलर सोच के रखने वाले आप CM साहब दावा करते हैं आप, तो इस एहतजाज के जरिए जैसे हमने तेलंगाना हासिल किया था और इसको गोल्डन बनाने में आपने बहुत बड़े मंसूबे सामने रखे, लेकिन आज इस CAA और NRC और NPR को लेकर आपकी राय साफ करें, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। अगर आप जितना जल्दी हो सके इसको वाजे तौर पे क्लैरिफिकेशन दीजिए कि हाल ही में महमूद अली साहब ने ये कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा और KTR साहब ने भी ये कहा कि ये बहुत बुरा कानून है। अरे भाई, बोलने से कुछ नहीं होता है, तहरीरी बात होनी चाहिए, एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तभी जाके यहाँ की आवाम अपने एहतजाज में ठंडक लाएगी। अदरवाइज ये एजिटेशन बहुत बड़े पैमाने पे घरों से निकलते जाएगा, तब तक आप इस कानून को वापस नहीं लाने की बात करेंगे हमारे रियासत में। जय हिंद। टुडे वी आर इन अ वेरी सिचुएशन वेयर डेमोक्रेसी इज इन ग्रेट पेरिल। डेमोक्रेसी एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर एट ग्रेट रिस्क टुडे। इट इज नॉट जस्ट अ रिस्क फॉर वन पर्टिकुलर ग्रुप, बट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टुडे हैज टू गेट अप एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट सच अ सिचुएशन। A series of laws which have been brought by the government and series of policies which are being implemented are not only anti-democratic, but they are unconstitutional. The recent law, which is the CAA and the so-called NRC, which is in plan to be executed, are unconstitutional. They're violative of Article 14, they're violative of Article 21, they are violative of the basic feature of the constitution. Secularism is a basic feature of the constitution. These are violative, and all these CAA and this NRC have been challenged before the Supreme Court. We hope that there is these laws will be striked off as unconstitutional. Meanwhile, the huge momentum of people which have gathered here, it will continue. People will continue to tell their protest, their dissent against this. This has gained a huge momentum and this will continue till these laws are repealed. यहाँ जो तोते मुर्गे बिल्ली पूछे फिर रहे हैं वो पहुंचा।